तो यहाँ पर मैं आ चुका था एंड यहाँ पे आने के बाद मेरे पास एक एनर्जी ड्रिंक और एक स्मोक बचता है, तो देखो लास्ट जोन में हम कैसे सर्वाइव करते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल यार, तुम्हारे से आ चुकी कोरोना वीडियो के साथ वापस। एंड आज की इस वाली वीडियो में ये एक मतलब कॉन्कर गेम प्ले आ चुका है और लास्ट जोन का ये गेम प्ले 13 अलाइव बचे हुए थे इतने छोटे जोन में, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं था, लेकिन देखो कि कैसे सर्वाइव करते। ये एकदम पूरा सर्वाइव करने के लिए गेम प्ले बना दिया हमने। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं यहाँ पर ब्रिज पर आ जाता हूँ, एक बंदा मतलब वहाँ से आता है यूँ करके, तो फिर यहाँ पर मैं कैंप करके बैठा ही था और इतने में क्या होता है कि वो बंदा उस तरफ से आता है एंड पता नहीं उसके पास ESP और वो मतलब हैकर था शायद, तो उसको मैं अचानक उसको पता चल गया, तो वो उधर चढ़ जाता है एंड वहाँ से मेरे को स्प्रिंट देने लगता है। तो उसके बाद मैं जैसे तैसे मौका ढूंढ के और बग्गी लेके मेरे यहाँ पे आ जाता हूँ थोड़ी देर होल्ड करने की। यहाँ पे जोन आ रहा था तो मैं इधर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ी देर अपन होल्ड करते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करने के बाद मेरे को एक डाचा दिखती है, रेड टाइम होती कि पता नहीं, तो मैं उसको डैमेज करने लगता हूँ। ऐसे टाइम पास कर रहा था तो डैमेज कर रहा था, इतना ही क्या होता है कि मतलब जोन आने वाला था थोड़ी देर में, तो मैं सोचने लगा कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए। तो थोड़ी देर में देखते हम कहाँ जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं सोच रहा था स्क्वाडस में रुकूँ, लेकिन स्क्वाडस पहले से ही कोई था मेरे को पता चल गया था। तो मैं सोचता हूँ इस रिज के पीछे जाके रुकूँ, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे चक्कर लगाता हूँ, क्योंकि कभी भी सीधा मत रुका करो क्योंकि कोई भी कहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ा पिंक का इशू भी हो गया था, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे घूम रहा था एंड उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था कोई यहाँ पे है या नहीं। तो थोड़ी देर बाद सर्च करने के बाद कोई नहीं दिखता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे होल्ड करने के लिए सोच लेता हूँ। तो गाइस थोड़ी देर में यहाँ पे फायर हो रहा था इधर उधर, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे वो बंदा है ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से उसको स्प्रे देता हूँ एक, लेकिन वो डैमेज हो जाता है, लेकिन फिर वो मतलब फिनिश नहीं हो पाता है। तो जोन आने वाला था अगला, इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ एंड निकलने के बाद मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था, आगे भी बहुत सारे बंदे थे। तो यहाँ पर पता नहीं मैं रुक गया था, लेकिन मैंने सोचा आगे पत्थर का भी कवर है तो उधर जाके रुकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बग्गी ठोक दिया, यहाँ पे रुक गया मैं आके, और यहाँ पे इधर उधर बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, और मैंने सोचा कि पीछे वाले को अपन पहले निपटा देते। तो मैं जब यहाँ से देख रहा था तो मेरे को वो बंदा दिखा ही नहीं, लेकिन अभी मैं एडिटिंग कर रहा था मेरे को पता चला वो तो वहाँ पे जोन से मर गया था। तो अभी आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे आ रहा था और आपको जो सामने धुआं उड़ता दिख रहा होगा और जो अपने किल फील्ड में भी नाम दिख गया होगा प्ले जोन से जाते हुए, तो फिर क्या कर सकते उसका मेरे को तो पता नहीं था। तो मैंने सोचा हो ऐसे ही कहीं चला गया होगा यूँ। फिर मैं थोड़ी देर बाद क्या होता है वहाँ से फायर आने लगता है एंड भाई हमारे बग्गी को कोई फोड़ देता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो मेरी बग्गी को फोड़ देगा तो मतलब मैं जोन पर नहीं आ पाऊँगा। तो यूँ करके उसने मेरी बग्गी को फोड़ दिया एंड उसके बाद क्या होता है कि मैं यहाँ पे बैठा और हील कर रहा था। और देखो अब लास्ट जोन में मेरे पास एक ही मतलब हीलिंग भी बहुत कम है और स्मोक भी बहुत कम है, तो एक मेरे पास है एनर्जी ड्रिंक और एक है स्मोक। तो देखो हम लास्ट जोन में कैसे सर्वाइव करते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं सोचता हूँ कि अब मतलब जोन आने वाला था, तो मैंने थोड़ा जल्दी रोटेशन लेने का सोचा, मतलब 10 सेकेंड पहले जा रहा था मैं, अगर थोड़ा और लेट करता तो जाता मैं जोन से उड़ जाता या कुछ ना कुछ तो होता मेरे साथ। तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया इधर एंड भाई किस्मत का ही खेल था यहाँ पे, मतलब जैसे तैसे मैं बचाऊँ। बहुत कम हीलिंग थी, हीलिंग तो थी नहीं खाली, एक मेरे पास एनर्जी ड्रिंक थी और स्मोक भी कम थे, स्मोक करता तो किसी को पता चल जाता और भी तो क्या पता क्या होता। तो इसके बाद मैं स्मोक होल भी नहीं बना सकता था, लेकिन अचानक से मेरा मतलब इस रीच का कॉर मिल गया मेरे को, क्योंकि वो बंदा था वो वेयर हाउस पे था एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत जोन का मैं डैमेज भी ले लेता हूँ थोड़ी देर में। तो ये डैमेज पड़ा, लेकिन जैसे तैसे हम निकल लेते, अगर जोन डैमेज देता हमको ज़्यादा तो भाई हम ये लास्ट जोन तक सर्वाइव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा एक वहाँ पे कहीं आके फिनिश हो जाता है, तो वहाँ पे दो बंदों की फाइट हो जाती है और वहाँ पे एक बंदा फिनिश हो जाता है। मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ के सेफ आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे फायर आने लगता है मुझ पर और मैं 1 HP बचता हूँ। तो एकदम मैं बहुत डर गया था एंड आगे चला जाता हूँ मैं थोड़ा सा, तो रिस्क लेके मैं इधर बैठा हूँ, क्योंकि राइट में जो कंपाउंड थे वहाँ पे एक बंदा था, तो मैं डर रहा था, बहुत डर लग गया था मेरे को क्योंकि वहाँ से फायर आ सकता है करके, लेकिन पता नहीं उसको मैं दिखा नहीं क्या। और थोड़ा बहुत मेरे को कवर भी मिल रहा था यहाँ पे, मतलब ज़मीन पे ऐसा उसको घर थोड़े नीचे थे, तो क्या कर सकते हैं। और भाई उसको दिखा नहीं, तो अभी जोन आने वाला था तो मैं ड्रिंक के जोन में चला गया।
देखो जोन आ चुका है एंड थोड़ा मैं रिंग रिंग के आगे आ गया हूँ, तो किल नहीं हो पा रहे मेरे पे, लेकिन क्या करें। तो इतने में क्या होता है कि उन दोनों बंदों की वहाँ पे फाइट हो जाती है थोड़ी देर में। तो मैं स्मोक देख के आगे चला जाता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे रुकता हूँ थोड़ी देर और उस बंदे का वेट करता हूँ लास्ट वाले का। और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ मैं एंड मेरे को फुटस्टेप का साउंड आ ही रहा था और जोन भी आ गया था। तो अब वो बंदा क्या ही कर सकता था, तो वो ओपन में भागने लगा और उसको पता नहीं था। और ये इजी चिकन डिनर। तो गाइस वीडियो यहीं तक ही थी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना और बाय बाय।